Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. So guys, well, today I am going to tell you about the Chitkara University, what are its reviews, uski fees kya hai, how is the placement, should you join Chitkara University, and if you want to join, what are the reasons behind it, what are the facilities given in Chitkara University. So everything in detail will be discussed in this video. So without wasting any time, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो इट्स लाइक अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज यू नो, और ये 2010 में, इन द ईयर 2010 ये एस्टैब्लिश हुई थी. एंड इसके दो कैंपसेस हैं, एक राजपुरा में है जो कि पंजाब में है, और दूसरा कैंपस बद्दी में है जो कि हिमाचल प्रदेश में है. बट जो इसका मेन कैंपस है, दैट इज इन राजपुरा, पंजाब. The worst thing in Chitkara University which I found is it's like compulsory uniform. I mean, like college mein kaun uniform pehenta hai, or like aaj ke time mein koi aisi private university nahi hai jinhone ek fix uniform laga rakhi ho. But Chitkara University mein, you know, bad luck, ek fix uniform hai. इसका एक फ़ायदा भी है दैट यू नो यू स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़. डेली तुम्हें स्विच ऑन नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पहनना है नेक्स्ट डे, एंड यू नो बट दीज फोर ईयर्स ऑफ योर कॉलेज लाइफ तुम फ्लॉन्ट नहीं कर सकते कि यू कैन वेयर गुड ड्रेसेस. ओके, तो अगर इसका मोड ऑफ एडमिशन मैं बताऊँ तो यू नो चितकारा में एज जिन लोग जो लोग जेई मेन्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, एंड यू नो दे आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन्स इन NITs और IITs, उसके बाद अगर हम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो द वन थिंग विच कम्स इन आर माइंड इज चितकारा यूनिवर्सिटी. तो इसमें एडमिशन बहुत ईजिली मिल जाता है. तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, लाइक PCM में तुम्हारा 60% मार्क्स अग्रीगेट होना चाहिए, एंड यू नो बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाता है. कोई एडमिशन की इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऑफर की जाती है चितकारा यूनिवर्सिटी में. इसमें बेसिकली 8 स्ट्रीम्स हमें ऑफर की जाती हैं इंजीनियरिंग में चितकारा यूनिवर्सिटी में. वन इज CSE, दैट इज कंप्यूटर साइंस. सेकेंड वन इज IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग. फिफ्थ वन इज मेकाट्रॉनिक्स. सिक्स्थ वन इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो दीज आर द स्ट्रीम्स. तो तुम्हें बहुत सारे इंजीनियरिंग के करियर ऑप्शन मिल जाते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी में. अगर हम बात करते हैं पंजाब डोमिसाइल कोटा की, लाइक द स्टूडेंट्स जो कि पंजाब से हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हर स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होती है उस स्टेट के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है, उनके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व की जाती है. तो चितकारा यूनिवर्सिटी में भी 15% कोटा पंजाब डोमिसाइल के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. इट्स लाइक क्वाइट अंडरस्टूड, लाइक ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सा कोटा है, तो इतना तो बनता ही है. एंड जितनी भी मार्क्स अगर मैं बात करूँ, इनटेक चितकारा यूनिवर्सिटी का CSE ब्रांच में होता है. मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स CSE ब्रांच में एडमिशन लेते हैं इन चितकारा यूनिवर्सिटी. अगर हम फीस की बात करें, ऑन एन एवरेज इसकी एक सेमेस्टर की फीस है 1,30,000. अगर आप हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड यू नो इंस्टीट्यूट की जो तुम्हारी एकेडमिक फीस है मिला लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें हमारी बीटेक की, वो 10 से 11 लाख में हो जाती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेंज है अगर हम थापर यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें या बिट्स पिलानी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है दैट इज़ वेरी 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 हाई. ओके, तो फीस भी मुझे बहुत ही नॉमिनल लगी. अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, लाइक हाउ आर द प्लेसमेंट्स इन चितकारा यूनिवर्सिटी. तो आई वुड टेल यू कि 500 कंपनीज ने विजिटेड द कैंपस फॉर प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज, और जितनी भी कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस में, ये मोस्टली मास रिक्रूटर्स होती हैं, ये बल्क में बच्चे उठा के लेके जाती हैं. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पैकेज की बात करूँ, तो 3 to 4.5 lakh का पैकेज हर स्टूडेंट को दिया जाता है. बट हम अगर कुछ नीश कंपनीज हैं लाइक Amazon, ओरेकल, IBM, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है, लाइक 10 lakh, 30 lakh, यू नो 15 lakh, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5.5 lakh to 6 lakh चली जाती है. जो सबसे हाइएस्ट पैकेज
चितकारा यूनिवर्सिटी में ऑफर हुआ है, दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय अमेजोन, और वो 30 लाख का ऑफर हुआ था. इवन जो MNCs हैं वो भी चितकारा यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेजोन, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका. तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू. अगर तुम 4 साल जम के लेबर करते हो एंड यू आर ऑन द टॉप इन लाइक अपनी क्लास में, तुम टॉप पे हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली तुम इन MNCs में एंटर कर सकते हो और तुम्हें एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा. बट अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो इट्स लाइक क्वाइट ऑब्वियस. तो तुम जितनी भी ये मास रिक्रूटर कंपनीज होती हैं जो कि 3 से 4.5 लाख का एवरेज पैकेज देती हैं, तो तुम्हें इसमें ही एंट्री मिलेगी. डोंट ड्रीम फॉर दीज बिग MNCs बिकॉज इसके लिए तुम्हें एक टॉप लेवल पे रहना पड़ेगा. अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. लाइक मैं राजपुरा से ही हूँ एंड यू नो आई स्टिल रिमेंबर जब चितकारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, लाइक इट वॉज अ टाइम, तो जितनी भी स्टूडेंट को इसमें इंटर्नशिप तब इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में चितकारा यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं. ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड उन्हें स्टाइपेंड मिल जाता है 70 to 75,000 का, जो कि क्वाइट मैनेजेबल है तुम्हारी इंटर्नशिप में. और मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स मास रिक्रूटर कंपनीज के साथ प्लेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, यू नो, ये सबसे ज़्यादा बल्क में बच्चे उठा के लेके जाते हैं. अब बात करते हैं पर्क्स एंड फैसिलिटीज की चितकारा यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं कि तुम्हें चितकारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए. सबसे पहले तो चितकारा यूनिवर्सिटी में फूड कोर्ट है प्रॉपर, जैसे कि होना चाहिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जैसे कि MET नोएडा में भी है, थापर में भी है, तो चितकारा में भी वैसे फूड कोर्ट है. 15 to 16 आउटलेट्स प्रेजेंट हैं. CCD, अमूल, नेस्कैफे, ये सभी आउटलेट्स प्रेजेंट हैं, तो खाने पीने का तो कोई टेंशन नहीं है चितकारा यूनिवर्सिटी में. इवन अगर हम सलून, स्टेशनरी शॉप्स की बात करें तो वो भी हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर. 24/7 वाईफाई का कनेक्शन है, बट उस वाईफाई की स्पीड इतनी ज़्यादा हाई नहीं है. इट्स लाइक इतनी ज़्यादा लो भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है. इट्स लाइक ओके स्पीड है. एंड अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो जो लाइब्रेरी है वो सेंट्रली एयर कंडीशन है एंड इट हैज़ बुक्स ऑफ अराउंड 1.5 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, तो तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, बुक्स की कोई कमी नहीं है चितकारा यूनिवर्सिटी में. एंड अगर हम बात करें स्मार्ट क्लासरूम्स प्रेजेंट हैं, लाइक PPTs वगैरह टीचर्स देती हैं. एंड ओवरऑल अगर हम इंफ्रा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट्स रियली गुड. अभी यूनिवर्सिटी बनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न ही है, अप टू डेट इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर हम जैसे कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, इन द सिमिलर मैनर चितकारा यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, सभी की सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चितकारा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं. एंड वन मोर थिंग, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल थापर में भी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, ऐसे ही चितकारा में भी एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है. तो चितकारा यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन कर रखा है कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के, तो अगर तुम चाहते हो बाहर जाके पढ़ना तो फर्दर तुम जा सकते हो. अब बात करते हैं अबाउट द हॉस्टल्स, कि कैसे चितकारा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स कैसे हैं. तो देर आर अराउंड 6 हॉस्टल्स इन द चितकारा यूनिवर्सिटी, और उसमें हर तरह के रूम्स अवेलेबल है, 2-seater, 3-seater, 4-seater, सिंगल सीटर रूम नहीं अवेलेबल है चितकारा यूनिवर्सिटी में. रूम्स आर अवेलेबल इन शेयरिंग ओनली, बट ये जो 2-seater, 3-seater, 4-seater रूम्स हैं, इनमें जो फीस का अगर हम डिफरेंस करें तो बहुत ही माइनर आता है, लाइक 3-4 हज़ार का डिफरेंस आता है. और अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें रूम्स, दे आर फर्निश्ड और नॉट, येस दे आर फर्निश्ड. हर रूम में बेड है, अलमीरा है, स्टडी टेबल है, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, तो ये सब अवेलेबल है जो एक हॉस्टल रूम में होनी चाहिए. इवन एक कॉमन TV रूम भी है, योगा रूम भी है जिसमें तुम जा सकते हो. एंड अगर हम पूरा ओवरऑल कंप्लीट इन्वायरमेंट हॉस्टल की बात करें, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. एंड अगर मैं वॉशरूम्स के हाइजीन की डिस्कस करूँ, तो इट्स लाइक
ओके ओके, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है कि बहुत बेकार है, बिकॉज यू नो हॉस्टल के जो वॉशरूम्स होते हैं दे आर नॉट सो गुड. तो इट्स लाइक दैट ओनली. अगर हम हॉस्टल मेस की बात करें, जो जो खाना है वो इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है. इट्स लाइक इट्स एडिबल कि खाने लायक है, तुम खा सकते हो उस खाने को, बट जिस घर जैसा खाना ऑब्वियसली कहीं भी नहीं मिलता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फूड कि किस तरह का खाना मिलता है, दोनों तरह का खाना मिलता है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, बोथ आर अवेलेबल. एंड इसमें वीक में एक बार पनीर और छोले भटूरे भी दिए जाते हैं, जैसे कि हर हॉस्टल में मिलते हैं. आती है कि इफ यू यू शुड ज्वाइन चिटकारा यूनिवर्सिटी और नॉट. सी इसके तुम दोनों साइड से अगर हम सोचें तो इन माय ओपिनियन कि अगर तुम्हें NITs में या फिर यू नो थापर में या विच पिलानी में एडमिशन नहीं मिलता है, आई फील दैट चिटकारा यूनिवर्सिटी इज अ गुड यूनिवर्सिटी टू ऑफर. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इस टाइम मार्केट में कोविड की वजह से कंप्यूटर साइंस में जो बूम है इट्स रियली हाई, बहुत ज़्यादा हाई है. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की जो मार्केट में डिमांड है इट्स इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत अच्छे पैकेज में बढ़ रही है. अगर तुम यू नो चिटकारा यूनिवर्सिटी में CSE में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर तुम तो टॉप पे हो क्लास में तो तुम्हें किसी MNC में एंट्री मिल जाएगी, जैसे कि Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, तुम अच्छे पैकेज पे चले जाओगे. तो इन दैट केस यू हैव मनी ऑल अराउंड यू, तो पैसे का तो कोई टेंशन ही नहीं है. एंड इन केस अगर तुम्हें ये MNCs में एडमिशन नहीं मिलता, इन दैट केस चिटकारा में मास रिक्रूटर कंपनीज आ गई हैं लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, तो तुम इसमें चले जाना. 3.5 से 4.5 लाख का पैकेज इनिशियली मिलता है. यू वर्क देयर फॉर अराउंड 2 to 3 years, उसके बाद यू मेक अ स्विच, तो उस टाइम पे जो तुम्हें हाइक मिलेगा सैलरी में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड ऑन एन एवरेज जब कोई भी एक बच्चा BTech कम्प्लीट करता है उसकी एज अराउंड 20 to 21 years की होती है, तो यू नो एट द एज ऑफ 20 to 21 years तुम अर्न करना स्टार्ट कर देते हो और 25 तक तुम्हारा मतलब जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. येस मैनी स्टूडेंट्स फील कि यहाँ पे कंपलसरी यूनिफॉर्म है एंड 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, वो तो हर यूनिवर्सिटी में ही है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया. एंड रही बात यूनिफॉर्म की, इट्स क्वाइट मैनेजेबल, 4 साल की बात है. लाइक यू नो तुम्हें बहुत जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले स्टिल यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीरियस एक एनवायरनमेंट है. एंड अगर मैं बात करूँ बद्दी कैंपस की चिटकारा यूनिवर्सिटी की, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि तुम वहाँ पे एडमिशन लो, बिकॉज यू नो वहाँ का इतना अच्छा प्लेसमेंट सिनेरियो नहीं है जो कि राजपुरा में जो चिटकारा कैंपस है उसका है, बिकॉज इट्स अ मेन कैंपस एंड वहीं पे ही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं. तो गाइज दैट्स माय रिव्यू अबाउट चिटकारा यूनिवर्सिटी. जस्ट यू नो गो थ्रू इट, दीज आर ऑल द फैसिलिटीज जो भी अवेलेबल है, क्या फीस है, ये सब मैंने आपको बता दिया है. तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस एंड डू प्रेस द लाइक बटन. योर 1 लाइक इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.